गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो मैंने बनाया अभी भी सुबह से ब्रेकफास्ट में। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना ही रही हूँ बस यही। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, बना के आ रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। मैंने डाला तेल, तेल जैसे गर्म हो मैंने डाल दिया प्याज, और उसके बाद डालूंगी टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न। यही सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल थी तभी मैंने डाली, नहीं वरना और भी सब्जियाँ डाल करके बन जाएंगी, लेकिन शिमला मिर्च और प्याज तो इसमें बहुत ज़रूरी, तभी इसका स्वाद इतना उभर के आएगा। दोस्तों अब मैं बताती हूँ आपको मैं बना क्या रही हूँ। तो गाइज़ मैं बना रही हूँ आज वर्मी चिली, यानी कि नमकीन से वही है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए यही सब्जियाँ डलती है, प्याज और शिमला मिर्च तो बहुत ही अच्छा रहता है इसमें, और गाजर चाहिए, बीन्स चाहिए, बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो डल सकती है इसमें, लेकिन मैं जो अभी है ना वो यही सब्जियाँ इसी से बनाऊंगी। और ये है मेरा रोस्टेड वर्मीसेली। तो इसमें ये देखिए विटामिन है, जिंक है, आयरन है, फॉलिक है, बहुत कुछ बेनिफिट है इसमें। और ये सूजी का बना हुआ और ऊपर से रोस्टेड है। तो क्या करना क्या है कि गर्म पानी कर लेना है, उसके बाद ही हम इसको डालेंगे, और सिर्फ एक बॉयल आनी चाहिए इसमें। ये पूरा मैंने पैकेट डाल दिया, उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल जिससे कि आपस में ना चिपके। वैसे ये रोस्टेड वाले हैं पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारा ये ज़्यादा बॉयल्ड हो, नहीं तो ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो ये चिपचिपा सा बनेगा और अच्छे से तैयार नहीं होगा हमारा ये जमी। उसके बाद यहाँ भून चुका, अब इसमें मैं डाल दूँगी बाकी सब्जियाँ जो मैंने काट के रखी हैं, शिमला मिर्च और बस शिमला मिर्ची है काटने वाला, बाकी ये डाल दिया स्वीट कॉर्न। अब इसको भून लेते हैं एक दो मिनट, ज़्यादा कुक कर देखिए क्योंकि अभी कढ़ाई भी गर्म है, बाकी सेवैयाँ भी जो है बर्मी चिली वो भी गर्म है, उससे क्या है अच्छे से कुक हो जाएगा ये। और यहाँ पर एक उबाल आ चुका है, अब इसको गैस को कर देंगे ऑफ, और यहाँ पर छन्नी से निकाल निकाल करके हम डालेंगे अपनी जमी को इस मिक्सर में। तो वैसे बहुत ईजी है, बहुत ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो है वर्मीसेली रोस्टेड है, तो रोस्टेड को उबालना है। अगर हमारा प्लेन वाला है तो उसको नहीं उबालना, डायरेक्ट बन जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया टेस्ट के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च। पहले मैंने हरी मिर्च डाली हुई है, अभी मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाली हूँ, टेस्ट बढ़िया से जम जाएगा। तो वह इसको छान छान के इसमें डाल लेते हैं और पका लेते हैं इसको एक दो मिनट के लिए, और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। बहुत जल्दी से बनता है और बहुत ही लाइट होता है क्योंकि सूजी का है, ऊपर से वेजिटेबल्स हैं, बहुत ही बेनिफिट है इसमें, बहुत ही टेस्टी है और गाइस आसान है, बहुत ईजी है, जल्दी से हो जाता है ब्रेकफास्ट, पेट भी भर जाता है और ज़्यादा हैवी नहीं होता। तो ये बन चुका है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा और एक बार ब्रेकफास्ट बना के देखिए। और आज है संडे, तो संडे में ऐसा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा रहता है, सारा परिवार इकट्ठा रहता है तो सबके साथ मिलजुल कर खाने का मज़ा कुछ और ही है दोस्तों। तो गाइस ये बनाया मैंने आज का ब्रेकफास्ट, पसंद आया तो ज़रूर से ट्राई करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय बाय।